नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी प्लांट के पौधे को हम किस प्रकार गमलों में लगाएं, उसके लिए क्या सॉइल मीडिया लें। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों दो प्रकार के सॉइल मीडिया में आपको मनी प्लांट लगाने की पूरी डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट का पौधा है दोस्तों, ये करीब 6 से 7 फीट की हाइट का है और एक ही पॉट में मैंने दो पौधे लगा रखे थे। अब इसको चूंकि मैंने लेट कर दिया है काफ़ी, इसको अब मुझे पहले ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए था, तो मैं अब कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँ। तो दो प्रकार की जो सॉइल मीडिया है दोस्तों, हम एक सॉइल मीडिया लेंगे जिसमें हम 50% काउ डंग कंपोस्ट और 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेंगे, और इसमें हम अलग से थोड़ी कोकोपीट मिलाएंगे। और दूसरी सॉइल मीडिया, इसमें हम काउ डंग कंपोस्ट और सैंड रिवर सैंड रेत लेंगे, और इसमें भी हम थोड़ा सा कोकोपीट एक्स्ट्रा में मिलाएंगे। दोस्तों, ये हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो मनी प्लांट का पौधा होता है इसको मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, जहाँ नमी होती है वहाँ इसकी रूट्स बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। तो हम दोनों तरह की मिट्टी बनाते हैं और दो अलग अलग पॉट में इसको लगाएंगे। दोनों ही सॉइल मीडिया में हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये जो हमारी मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट जो भी आपको मिल पाए ये लें, और साथ में हम थोड़ी कोकोपीट इसमें डालेंगे जो कि मॉइस्चर बनाए रखेगी और पॉट के वेट को हल्का करेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे। तो इस प्रकार दोस्तों, हमने इसमें कोकोपीट मिला दिया है और हम मिट्टी को अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि मिट्टी, काउडंग कंपोस्ट और कोकोपीट अच्छे से मिल जाए। और अब दोस्तों, हम जो दूसरी सॉइल मीडिया है जिसमें हम रिवर सैंड और काउडंग कंपोस्ट बराबर मात्रा में लेंगे, और इसके साथ हम थोड़ी कोकोपीट इसमें भी मिलाएंगे। चूंकि रेत मॉइस्चर होल्ड करती है, पर हम कोकोपीट इसलिए लेंगे कि वो थोड़ा पॉट का वेट जो है वो हल्का रखेगा, मॉइस्चर होल्ड करने के साथ साथ पॉट का वेट हल्का रखेगा, और कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर होल्ड रखेगी और ड्रिप जो है वो पानी को निकलने की सुविधा देगी। तो इस प्रकार हमने काउडंग कंपोस्ट, कोकोपीट और रिवर सैंड मिला लिया है। दोस्तों, काउडंग कंपोस्ट इसलिए ज़रूरी है, या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपको इजली मिल जाए, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि रेत में कोई न्यूट्रिएंट्स होता नहीं है अपना, ना ही कोकोपीट में कोई न्यूट्रिएंट्स होता है। तो काउडंग कंपोस्ट बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स देगा हमारे पौधे को। और दोस्तों, ये जो सॉइल मीडिया है रेत और काउडंग कंपोस्ट का, इस सॉइल मीडिया में मैं आपको बताऊं कि जब भी आप मनी प्लांट की कटिंग्स लगाएं तो यही सॉइल मीडिया चूज करें, क्योंकि इसमें कटिंग्स बहुत ही अच्छी ग्रो होती है। मनी प्लांट की कटिंग आप जब भी लगाना चाहें तो आप 50% सैंड और 50% काउडंग कंपोस्ट ले लीजिए, उसमें आपको कोकोपीट मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप कटिंग्स को ग्रो करें बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से, और बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तो अब दोनों सॉइल मीडिया हमारे तैयार हैं, अब हम इसमें अपने पौधे को लगाएंगे। तो पौधे को हम पहले उस पॉट से निकाल के पूरे उसमें से जो उसकी पुरानी मिट्टी है उसको अलग करेंगे। रूट्स हम देखेंगे कि कैसी ग्रोथ है, क्योंकि ये मनी प्लांट ऐसा पौधा है दोस्तों कि हर नॉट से इसके रूट्स निकल जाती हैं। तो आप जब पौधा निकल जाए बाहर बढ़ने लगे, ये मेरा गमला जो है ये फूट गया है, तो मैं इसे गमले को तोड़ दूंगा और तोड़ के इससे पौधे को बाहर निकलूँगा। अगर फूटा ना होता तो दोस्तों फिर थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन निकल जाता है फिर भी। पर ये पॉट मेरा टूट चुका है ऑलरेडी गिर के, तो मैं इस पॉट को तोड़ दूंगा पूरी से और फिर आराम से मैं इससे मिट्टी को बाहर निकाल लूँगा। दोस्तों,
जो मनी प्लांट की नॉट्स होती हैं इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है, और मॉइस्चर में इसकी रूट रूट जो है बहुत अच्छे से डेवलप करती हैं। तो जब हम पौधे को लगा लेते हैं और पौधा अपनी ग्रोथ में होता है तो हम इसे किसी मॉइस्चर स्टिक से ही सहारा देते हैं और उसे पानी से भिगाए रहते हैं ताकि पौधा जो है और अच्छा ग्रोथ करता रहे। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, इसमें मेरे दो पौधे लगे हुए हैं और मैं इसकी मिट्टी रूट्स को बचाते हुए आसानी से पूरी मिट्टी इस पौधे से अलग कर लूँगा। दोस्तों रूट्स को हमें बचाते हुए मिट्टी को अपने पौधे से अलग कर लेना है। इस प्रकार देखिए, मैंने पूरी मिट्टी अपने पौधों के रूट्स को बचाते हुए अलग कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें अच्छी खासी रूट डेवलप हुई हुई है। और अब इस पौधे को हम दोनों पौधों को अलग अलग पॉट में लगाएंगे। ये देखिए जो दूसरी नॉट मिट्टी में थी उस नॉट से भी कितनी अच्छी रूट निकल के आई है इसमें। दोस्तों एक चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी आप मनी प्लांट के पौधे की रीपॉटिंग करते हैं तो आप ये बहुत खास करके ध्यान दीजिएगा कि मनी प्लांट के पौधे को जब आप मिट्टी से रूट्स उसके निकाल लेते हैं तो रूट ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रहनी चाहिए, वरना वो फिर रूट ख़राब होने लगती है। तो ये हमारा प्लास्टिक पॉट है, इसमें बॉटम में कुछ होल हैं, उससे हम जो लीफ है हमारी गार्डन की सूखी पत्तियाँ निकलती हैं उससे हम कवर कर देंगे ताकि जो भी हम सॉइल इसमें डालें वाटरिंग करने पे वो जो नीचे होल है उससे ड्रेन करके मिट्टी बाहर ना आए। ये देखिए चार होल हमने हमारे इसमें बॉटम में है, तो उस रास्ते पानी निकल के जाए रिस के और मिट्टी उस रास्ते उस होल को जाम ना करे, बंद ना करे, या फिर मिट्टी उस रास्ते निकल के ना आए। और ये लीफ जो है ये बाद में सड़ के बहुत अच्छी कंपोस्ट भी बन जाती है। तो इस प्रकार हम इसमें मिट्टी डालेंगे और पौधे को एक पौधा हम इसमें सॉयल मीडिया जो हमारा फर्स्ट सॉयल मीडिया है विद गार्डन सॉयल हम इसमें लगाएंगे। पूरी रूट्स को हमें मिट्टी में दबा देना है अच्छे से कवर करके। और फिर ऊपर से हमें मिट्टी डाल के ढक देनी है। हल्के हाथों से दोस्तों मिट्टी को दबा देंगे थोड़ा ताकि जो हमारी अंदर कुछ एयर पार्ट्स हों वो निकल जाएं। हल्के हाथों से हमने रूट्स के पास पौधे के दबा दिया है ताकि जो एयर हो वो निकल जाए और हम वाटरिंग कर देंगे फिर बाद में इसमें। ये हमारा एक पौधा लग गया है और दूसरे को हम दूसरी सॉयल मीडिया जो हमारा सॉयल लेस है जिसमें हमने रिवर सैंड और वर्मी कंपोस्ट काउडंग कंपोस्ट और कोकोपीट की मदद से बनाया है, तो दूसरे को पॉट में भी हम नीचे जो हमारी ये मेरे अमरूद के पौधे से कटिंग्स मैंने की थी उसकी, तो उस कटिंग को मैंने रख दिया था, वो सूख गए हैं पत्ते, तो मैं उन्हें बॉटम में यूज कर लेता हूँ जो अच्छी खाद भी बन जाती है बाद में और मिट्टी नीचे से रिसने से भी बचाती है। तो इस प्रकार हमने उसे बॉटम को पूरा ढक लिया है और इसमें हम अपनी सेकेंड सॉयल मीडिया को भरेंगे और उसमें हम पौधे को लगाएंगे। दोस्तों इस प्रकार हमने इसको भी उसी तरह से पौधे को इसमें लगा लिया और हल्के हाथों से मिट्टी को प्रेस करके दबा के पौधे को इसमें लगा लिया। अब हम इसमें कर देंगे वाटरिंग दोनों ही पॉट्स में। और वाटरिंग दोस्तों जब फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो ये ध्यान रखा जाए कि भरपूर वाटरिंग करनी चाहिए कि पूरी मिट्टी जो इस पॉट में है वो गीली हो जाए, और फिर नेक्स्ट टाइम से हम वाटरिंग तभी करें जब हमें ऊपर की सतह सूखी हुई दिखाई दे। तो इस प्रकार हमने दोनों ही पॉट्स में वाटरिंग कर देनी है। और वाटरिंग करने के बाद दोस्तों हमें इसे किसी शेडेड एरिया में रखना है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट अभी दो एक दो दिन तक 3 दिन तक ना आए, जब तक कि पौधा एडजस्ट हो जाए, इसकी रूट्स एडजस्ट हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसे सनलाइट में भी रख सकते हैं या फिर इंडोर प्लांट है इसे इंडोर भी रख सकते हैं, तो आप जहाँ रखना चाहें। फिर उसके बाद 2-3 दिन शेडेड एरिया में रखने के बाद आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके अपना प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद।